सम्मानित अभिभावक बंधु, प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। विद्यालय कॉलेज बंद चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में घर पर बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था अभिभावकों की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। बच्चों को पुस्तकों की व्यवस्था करना, विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्मा देवी इंटर कॉलेज के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उसमें भी विद्यालय के गणित विज्ञान अंग्रेजी हिंदी संस्कृत के शिक्षकों द्वारा पढ़ाकर उसमें वीडियो प्रेषित किए जाते हैं और उन वीडियो के माध्यम से बच्चे ऑनलाइन पठन पाठन कर सकते हैं। बच्चों के पास पुस्तकें होना अनिवार्य है। यदि अगर बच्चों के पास पुस्तकें नहीं होंगी तो फिर उनको पढ़ने में बड़ी समस्याएं आएंगी। मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि बच्चों के पास पुस्तकों की व्यवस्था करें, ऑनलाइन शिक्षण कार्य को देखें कि बच्चा पढ़ रहा है या अन्य किसी कार्य में व्यस्त है। बच्चों के पठन पाठन के लिए इस समय 24 घंटे बच्चा अभिभावक के पास है, तो अभिभावक की जिम्मेदारी बढ़ना स्वाभाविक है। यदि इन 2 से 3 माह जब विद्यालय बंद चल रहे हैं, यदि अगर हम अपने बच्चों को पर ध्यान नहीं आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से यह बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यह 3 से 4 माह की परेशानी, यह 3 से 4 माह की लापरवाही उसे 3 से 4 वर्ष पीछे ढकेल देगी। इसलिए मेरा अपने अभिभावकों से, बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग पुस्तकों की व्यवस्था कर लीजिए, ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो पड़े हुए हैं उनके माध्यम से आप लोग पठन पाठन करिए और घर अपने समय को बर्बाद ना करिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, इनमें यदि अगर पुस्तकें आपके पास है उनमें शब्दकोश तैयार करिए। यदि अगर आपका शब्दकोश तैयार हो गया तो जब शिक्षक आपको पढ़ाएंगे पाठ को तब आपके पाठ बहुत आसानी से समझ में आएगा। यदि शब्दकोश आपका तैयार नहीं है तो आपको पाठ समझ में अच्छी भांति नहीं आएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये ऐसे विषय हैं जिन्हें जब तक आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे नहीं तब तक यह आपको समझ में नहीं आएंगे। गणित में कम से कम 10 सवाल प्रतिदिन आपको जो है लगाना है, 10 सवाल प्रतिदिन लगाइए। अंग्रेजी ग्रामर में आपको कम से कम 7 अनुवाद प्रतिदिन करिए। सुंदर लेख, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अधिकतम अंक अर्जित करने हैं आपका लेख सुंदर होना चाहिए। मैंने आज तक जो मैंने विद्यालय में देखा है उस देखने के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन बच्चों की का लेख सुंदर होता है और अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो वो सर्वाधिक अंक अर्जित करते हैं। यदि एक कैटेगरी के 2 बच्चों को रखा जाए और एक का लेख बहुत सुंदर है और उसी कैटेगरी का, उसी समान आईक्यू का एक दूसरा बच्चा है, उसका लेख खराब है, तो जब बोर्ड परीक्षा के अंक आते हैं तो दोनों में कम से कम 4 से 5% का अंतर आता है, 25 से 30 अंक का अंतर आ जाता है। इसलिए सुंदर लेख का एक अपना महत्व है। जून का महीना अब आ गया है। इस जून के माह में यदि अगर आप हिंदी अंग्रेजी का लेख ही अपना सुधार लें बहुत बड़ा आप अपने जीवन के साथ काम कर लेंगे। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से, बच्चों से अनुरोध है कि आप समय के बहुमूल्यता को समझें। यदि अगर जो समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। 3 माह ये आपके जा ही रहे हैं, अप्रैल मई जून, इनमें विद्यालय में आपने आकर कोई पठन पाठन नहीं किया है।
आपका एकमात्र सहारा ऑनलाइन शिक्षा है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पठन पाठन करें। घर में 24 घंटे आप हैं तो 5 से 6 घंटे की एक समय सारिणी आप बना लीजिए। उस समय सारिणी के अनुसार आपको किस समय कौन सा विषय याद करना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कब सवाल लगाना है, कब अनुवाद करना है, इसकी एक आपके पास समय सारिणी बनी हो, उस समय सारिणी के अनुसार आप पढ़ें घर पर। और कोरोना वायरस जो इस समय वर्तमान में फैला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इससे बचने के लिए आप कहीं अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगावें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हाथ बाहर से घर आवें, हाथ धुलिए अपना, कपड़े गर्म पानी से धुल लीजिए। इन सब सावधानियां हमारे सभी अभिभावकों एवं बच्चों को करना है। धन्यवाद।